हेलो वियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूं किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे धनतेरस के दिन करें ये 5 रुपए का उपाय, होगा ये कमाल। क्या अच्छी सेहत और धन को पाने के लिए धनतेरस का दिन शुभ माना जाता है? वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन यदि आप चाहते हैं कि कुबेर आप पर सालों साल धन की वर्षा करें तो आप 5 रुपए का उपाय जरूर अजमाएं। ऐसे में मैं आपको कुछ ऐसे ही अचूक उपाय बताऊंगी। धनतेरस पर हर कोई चाहता है कि माँ लक्ष्मी उस पर अपनी कृपा बनाए रखे। इसके लिए तमाम उपाय और तरीके अजमाते हैं। ऐसे में मैं आपको कुछ ऐसे ही अचूक उपाय बता रही हूँ जो केवल 5 रुपए में माँ को खुश कर देंगे। 5 रुपए में माँ के लिए कुछ ऐसी चीजें खरीद कर लाएं जो धनतेरस पर माँ को चढ़ाएं। ये 5 रुपए की चीजें न केवल माँ को धनतेरस पर बल्कि हमेशा खुश रखेंगी। खास बात यह है कि ये चीजें आसानी से आपको मिल जाएंगी, बस इसे पूरी श्रद्धा से विश्वास के साथ करना होगा। हालांकि ये उपाय सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इनका प्रयोग सदियों से लोग माँ को प्रसन्न करने के लिए करते आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन करें ये 5 रुपए का उपाय, धन भी मिलेगा और सेहत भी। नंबर 1, साबुत धनिया से होगी धन की वर्षा। 5 रुपए का साबुत धनिया खरीद कर धनतेरस को अपने घर लाएं। उसी दिन माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी के चरणों में रखें। साथ ही भगवान से अपनी मेहनत के बल पर मिलने वाले धन की मांग करें और ये जरूर मिलेगा। बाद में इस धनिये को प्रसाद के रूप में वितरित भी करें। नंबर 2, माँ लक्ष्मी का प्रिय भोग है बताशा। 5 रुपए का बताशा खरीदें। बताशा माँ का सबसे प्रिय भोग है। सफेद बताशा धनतेरस पर ही खरीदें और उसे उसी दिन माँ को चढ़ाएं। सफेद रंग माँ को प्रिय है और जब उनके भोग भी सफेद होता है तो उनकी प्रसन्नता ज्यादा बढ़ जाती है। माँ को सच्चे मन से प्रसाद चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि जो धन आपके लिए है वह उन्हें जरूर दें। नंबर 3, धनतेरस के दिन इस दिशा में दीपक जलाएं। धनतेरस से दीप जलाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन इस दिन खास कर एक दीपक रात में दक्षिण की ओर मुख करके जलाएं। एक बात याद रखें कि इस दीपक को खाने पीने के बाद जलाएं और जलाने के बाद इसे मुड़कर ना देखें। ये अकाल मृत्यु से बचाकर घर के लोगों को निरोग रखता है। एक बात ध्यान रखें कि ये दीपक 5 रुपए का हो। नंबर 4, माँ को कुमकुम जरूर लगाएं। 5 रुपए का कुमकुम लें और उसे माँ के चरणों में रखें और उसे माँ को लगाकर खुद भी लगाएं। माँ के कुमकुम में बहुत दम होता है। इसे लगाने के बाद आप में आत्मविश्वास आएगा और ये धन की वर्षा भी कराएगा। जब भी किसी काम के लिए घर से निकलें तो माँ को कुमकुम चढ़ाएं और कुमकुम को जरूर लगा भी लें। नंबर 5, माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह घर लाएं। घर के मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह लगाएं। 5 रुपए में ही ये पद चिन्ह खरीदें। धनतेरस पर इसे खरीदें और दीपावली वाले दिन इसे लगाएं। माँ के घर में आने का ये संकेत होता है। सबसे पहले माँ के चरण चिन्ह पर आरती करें और कुमकुम लगाकर उन्हें अपने घर में आमंत्रित करें। ये आपके घर में सौभाग्य का दरवाजा खोलने वाला कदम होगा। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है धनतेरस के दिन करें ये 5 रुपए का उपाय, जिससे धन भी मिलेगा और सेहत भी। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अपनी इंग्लिश की वर्ड पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को विजिट करना ना भूलें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज की इंफॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना मत भूलना, और मेरी वीडियो को करना है ढेर सारा लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।